बाकी सब मामलात में साथ चलती। तो इसीलिए हमारी नानियां और दादियां जब कहती थी मुन्ने के अब्बा और मुन्नी के अब्बा और उसके, तो अच्छा हमें बहुत ऑकवर्ड लगता है वो सब कुछ। फिर एक जनरेशन तो मुन्ने के अब्बा कहती थी, अगली कहती साहब का साथ नाम लगाती थी, शोहर के नाम के साथ साहब। अब अगली जनरेशन ने साहब भी उड़ा दिया और मालूम ही आइंदा क्या होने वाला है। हो सकता है निक नेम से पुकारा जाने लगे और शायद पुकारा भी जाता हो। ठीक है, अगर आपस में फ्रेंकनेस है तो कोई हरज नहीं नाम लेने में। आपको पता है कि हजरत आयशा जब हुजूर से नाराज होती थी तो क्या कहती थी, कैसे पुकारती थी उनको? सही हदीस के अल्फाज मुझे याद नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम। ये कहने की बजाय कि मोहम्मद के रब की कसम कहते इब्राहिम के रब की कसम, यानी फिर तुम मेरा नाम लेने की बजाय हजरत इब्राहिम का नाम लेते। तो यह है कि नाम लेने में